लाहौर के अंदर, लाहौर के अंदर, लाहौर के अंदर। अबे यार उस्ताद क्या कर रहे हो यार, लड़के मालिक, अबे इतना थोड़ी करना था, फट गई उनकी, मर जाएंगे लौंडे, क्या कर रहे हो, इस तरह से थोड़ी करना था। मैं तो कहता एक आधा मैच जीत जाओ, इस तरह से थोड़ी मारना था, वो भी लाहौरियों को, मर गए भाई वो सारे। अबे भाई क्या कर रहे हो, इस तरह से थोड़ी मारा जाता है भाई, वो तो अधमरे पड़े हैं, उठ भी नहीं पा रहे हैं। अब इससे पहले कोई मुझे आके ये बोले कि तू तो कल गालियां दे रहा था, आज तू इनके साथ गालियां, मैं आज भी दे रहा हूं, वो मसला नहीं है, मसला ये है कि इन्होंने लाहौर को मार दिया, जानी लाहौर को, तुम समझ लो कितनी बड़ी बात है। लाहौरी मेरे डीएम में आए हुए थे, मुझसे कह रहे थे और भाईजान क्या तैयारी है आपकी, ये लो उस्ताद ये तैयारी हमारी, कर दिया तुम्हारा काम हमने। अब देखो लाहौर के साथ भी वही हुआ है जो कराची के साथ हुआ था, मतलब लाहौर ने भी बहुत ऊपर से आके बड़े बड़े बोल बोले थे। देखो शाहीन अफरीदी को पर नहीं करना चाहिए था ना कि मैथ्यू वेड को हिम्मत हो तो ओपन उतारो, उतार दिया, झाड़ू चलाइए पीछे की ऐसे करके, मतलब इस तरह तो नहीं करना था ना यार। भाई मैथ्यू वेड की बैटिंग ने शाहीन अफरीदी के वो 3 छक्कों का दर्द दूर तो नहीं किया, कम जरूर कर दिया। मेरा हो गया उस्ताद, मैं यहां से दिल मेरा मेरा सिल चुका है, मैं ओके हो गया, मरहम लग गई मुझे यहां पे। पहले तो पावर प्ले में मैथ्यू वेड और जेम्स विंस ने इनका काम उतारा ना, मैंने कहा दादा दोनों ने अपने पैसे हलाल कर लिए गोरों ने। उसके बाद बीच में ऐसा हुआ, मुझे लगा कि जानी ये तो 200 टाप जाएंगे, तो 200 क्रॉस कर जाएंगे, फिर क्या हुआ, अब जाहिर कराची किंग्स है, कराची किंग्स की इज्जत से तो ये मतलब हरकत उसे बाज आएंगे ना, बीच में इनका रनरेट हो गया स्लो और बीच में गिर गए 4-5 विकेट। मैंने कहा उस्ताद ये कोई सीन बड़ा खतरनाक हो गया, मैं समझ गया, मैंने कहा जानी औकात पे उतर है वापस, मुझे मिनी मिनी हार्ट अटैक आ गया था। मैंने कहा ये लाहौरी बैठे, अच्छा पता है क्या लाहौरी ना वो ताड़ लेते हैं आपको, कि अगर आप कराची के ना नीचे बैठ के ना वो आपको मुझे देखे ना ऐसे करके हंस रहे थे, अल्लाह की कसम इतना बुरा लग रहा था, अल्ताफ भाई वाला दौर होता ना यहीं से इनकी बोरी तैयार हो जाती। अब एक आदमी है वो ना ये अपना प्लेटिनम कैटेगरी का हैदर अली नाम है उनका, बैट्समैन है वो, मुझे उससे एक बात पूछनी है कि भाई कुछ सोचा है करना क्या है, मतलब कुछ आगे का कुछ प्लानिंग व्लानिंग है कि मतलब करियर में किस तरह से प्रोग्रेस करना है, कुछ फ्यूचर प्लानिंग के, मतलब मेरा करियर खत्म हो तो लोग मुझे अच्छे अल्फाजों में याद रखे, इस तरह का कुछ काम करना है कि मतलब जिंदगी भर निकल के टुल्लर के नाम से मशहूर हो जाना है। अबे इतनी जल्दी निकल के जब तुझे पता है कि स्कोर इतना अच्छा हो चुका है, तुझे किसने कहीं निकल के छक्का मारने को, विकेट देके चला गया पीछे से लाहौरी, एक लाहौरी ने मेरे सर पे बोतल खींच के, मुझे नहीं पता कहां से पड़ी लेकिन मेरे सर पे बोतल पड़ी है कहीं से, अब मुझे इन सब के अंदर पर मैं कसूरवार किसको ठहरा हूं, मुझे बताओ। और मैंने एक और चीज नोट की है, अबे उस्ताद ये सारे लाहौरी जो है ना कराची में घुस गए, मैं स्टेडियम गया आज, पहले होता था भाई ये छोटे छोटे जो ना झुंड बना के बैठते थे, 25,000 के क्राउड में ना 150 यहाँ बैठे हैं, 200 वहां बैठे हैं, अबे इन्होंने पूरे पूरे इंक्लोजर टापे में मेरे भाई, मैं वसीम अकरम इंक्लोजर में बैठा हुआ था, वहां तो ऐसा लग रहा था सारे लाहौरी है, मैं घबरा गया। मैंने कहा उस्ताद कराची पे ज्यादा चीयर किया ना, आमिर को ज्यादा आवाजें लगा दी है, मुझे पकड़ के ना सूद दें। अबे भाई बड़ा खतरनाक सीन था इनका। अच्छा स्टेडियम में एक और कैटेगरी के लोग हैं जो ना कराची के ना लाहौरी हैं, वो अनशन है, उनको खुद नहीं पता उनको कहाँ जाना है, वो कराची पे भी जो ना तालियां बजा रहे हैं, वो लाहौर के उस पर भी तालियां बजा रहे हैं, राइवलरी वाला इस बार मुझे बिल्कुल कोई इंपैक्ट नहीं नजर आया, जो कि बहुत बुरी बात है। पहले हम निकलते थे कराची वर्सेस लाहौर के बाद तो हम लाहौरियों को ये ऐसे करते थे, इस बार किसी ने नहीं किया, मुझे बहुत बुरा लगा, इस तरह नहीं होना चाहिए भाई, नफरतें फैलाओ, प्यार बांटने से कुछ नहीं होता। मतलब यार इतना खतरनाक तुम लोगों ने उनको दीवार से लगाया यार, उनको तो मतलब सांस लेने का मौका नहीं दिया, उनकी तो ऐसी की तैसी हुई थी भाई। 16 ओवर के बाद लाहौर भी जो है ना हार गई थी कि उस्ताद हमसे नहीं होगा, हमारी बैटिंग पूरी करो हमें जाने दो, फिर उनके एक एक करके वो बाकी कुछ 4-5 थे वो भी आउट हो गए, मतलब बिल्कुल फंसा गए ना, दीवार से टांगे लगा दी छत को, ऐसे ही करना था भाई ये, अगर पहले मैच से कर लेते ना पहले मैच से तो मेरा बीपी और मेरी जिल्लत दोनों बच जाती, ठीक है ना। मुझे इस वक्त डीएम में जितना पड़ा हुआ है ना गालियों का, मेरा पूरा खजाना, मेरा दिमाग खराब हो गया था। अब ये है कि इंसानों की तरह जरा मोमेंटम मिल गया ना तो जीत लो, नहीं तो मैं बता रहा हूं फिर खतरनाक, मैं चला जाऊंगा पेशावर, मुझे फिर ना रोकना कि हम्माद भाई यहाँ क्यों चले, मैं चला जाऊंगा पेशावर, मैं सही बता रहा हूँ भाई, साफ सी बात है, मुझे पता था तुम लोगों से नहीं होगा इसलिए मुझे खुद आना पड़ा पर्सनली। मैंने कहा जाके देखे तो ग्राउंड में उस्ताद चल क्या रहा है, माजरा क्या है, मैटर क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या चल रही है, बच्चों की तरह फील्ड पे देखो तो चल क्या रहा है, मुझे खुद आना पड़ा तो जाके ये हुआ, मैं नहीं आता तो शायद ये भी नहीं होता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, जीत गए ना, जाओ ऐश करो। अब बस लाहौरियों के लिए ये है कि जानी बस अब आए हो कराची तो बर्न्स रोड जाओ, पहले तो बर्नौल लगाओ, फिर बर्न्स रोड जाओ, वहां पे नान चने खाओ, नान चने मैंने सुना आप लोगों को बड़े पसंद है, नान चने मुर्ग छोले खाओ, फ्रेस्को बेकरी बर्न्स रोड पे, उसके करीब करीब मिलते हैं कहीं पे। और बाकी ये कि भाई उस्ताद देखो मेरा तो पीएसएल हो गया, मेरा मुझे था मेरे 3,000 रुपए का टिकट था वो वसूल हो गया और मुझे बड़ा मजा आया, मैं गला फाड़ के आ रहा हूं, खूब चिल्लाया हूं मैं, तो मेरा तो हो गया। अब हार भी जाओ जीत भी जाओ मेरी बला से, मैं जा रहा हूं सोने।